हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण हिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 में कार्यरत हूँ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू होने वाला टॉपिक है, और इसके अंदर कल हम पढ़ रहे थे अबाउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल या ससंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रॉन बंधुता, और उसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, जालक ऊर्जा के बारे में, जालक ऊर्जा जो कि किसी भी क्रिस्टल की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ही होती है। और उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिकर्षी घातांक का आयनिक क्रिस्टल की संपीड्यता से निर्धारण, क्योंकि बोर्न और मेयर के द्वारा जो रिलेशन दिया गया था पोटेंशियल एनर्जी का, यू इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस आर बाई ए जो दिया गया था, उसी के क्रम में जैसे बी क्या है यहाँ पे नियतांक था, और उसका मान यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, और किससे ज्ञात करेंगे, संपीड्यता से, कंप्रेसिबिलिटी से, ठीक है। और किसी भी क्रिस्टल के लिए कोई तापमान, किसी दाब और किसी आयतन, दाब ताप और आयतन किसी भी ऑर्डर में, जैसे प्रेशर को हम लोग पी मान लें, वॉल्यूम को वी और टेम्परेचर को टी मान लें, तो उसके लिए जो संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई वी डी वी बाई डी पी होती है। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, माइनस वन बाई वी डी वी बाई डी पी संपीड्यता होती है ये। अब हम लोग कहते हैं कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय द्वारा किए गए कार्य की बराबर होती है, और यह किया गया कार्य जो है आयतन में परिवर्तन करे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है। ओके, अगर मान लीजिए हमारा जो क्रिस्टल है उस पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो न्यून तापमान हो रहे हैं, न्यून तापमान पर हो रहे हैं, यानी कि तापमान का प्रभाव जो है वो बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ठीक है। तो अगर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो हमारे ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से डी यू प्लस पी डी वी जो है किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर। लो टेम्परेचर पर डी क्यू क्या है, क्योंकि टेम्परेचर लो है तो ना तो ऊष्मा ग्रहण करेगा ना ऊष्मा निष्कासित करेगा, जिससे डी यू इज़ इक्वल टू पी डी वी हो जाएगा, माइनस पी डी वी, और यहाँ से डी यू बाई डी वी इज़ इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। और अगर दूसरी बार इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि डी यू बाई डी वी तो हमारे पास माइनस पी है, दूसरी बार करेंगे तो डी पी बाई डी वी आ जाएगा। ओके, हमारे जो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता का जो फॉर्मूला है, बीटा बीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई वी डी वी बाई डी पी, ये है यहाँ पे है डी वी बाई डी पी, और हमारे पास किसका मान है, डी पी बाई डी वी का, तो इस वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो उल्टा रखेंगे, या यूँ कहें कि वन बाई बीटा कर देते हैं, जैसे वन बाई बीटा करने से क्या हो जाएगा, माइनस वी डी पी बाई डी वी, ठीक है। उल्टा करने से जो ये भी क्या है, एक बट्टे आएगा, वी को ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, डी पी बाई डी वी हो जाएगा। तो इस डी पी बाई डी वी का मान क्या है, डी टू यू बाई डी वी स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ओके, अब क्या होता है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आयनिक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के एन अणु किसी क्रिस्टल के अंदर है, और ये एन अणु जो है इस एन अणुओं को बनाने के लिए जो आयन है उन आयनों के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो क्रिस्टल का आयतन क्या होगा, प्रति अणु, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन से मिलकर बना हुआ है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो जैसे हम एक को एक जो आयन है उसको यूँ माने कि वो एक वृत्ताकार एरिया जो है वो कवर करता है, तो फिर क्योंकि क्रिस्टल का जो आयतन होगा वो इन अणुओं द्वारा घिरे गए स्थान के बराबर होगा, जितना स्थान घिरेंगे उतना ही वॉल्यूम वो करेगा कवर, ठीक है। तो जैसे इसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर है ना, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो गया, आर स्क्वायर, इस सॉरी क्षेत्रफल नहीं आयतन, वॉल्यूम आर क्यूब
और इसका भी क्या है, आर क्यूब, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सोडियम क्लोराइड का अणु बना रहे हैं। ठीक है, तो एक सोडियम क्लोराइड के अणु का आयतन क्या हो गया, 2R³। ठीक है, तो एक सोडियम क्लोराइड के अणु का आयतन हो गया 2R³। क्योंकि इसने कहा है क्रिस्टल का आयतन प्रति अणु, प्रति अणु, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के, जैसे हम कहें कि क्रिस्टल के अंदर सोडियम क्लोराइड के N अणु हैं, तो N अणुओं का आयतन जो है वो सोडियम क्लोराइड का आयतन है। ठीक है, अब प्रति अणु मतलब इसमें अणुओं की संख्या का भाग दे दो। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का आयतन कितना है कि 2R³ × N, N मतलब ये तो है एक सोडियम क्लोराइड का आयतन, N सोडियम क्लोराइड का आयतन, N इंटू 2R³। अब ये कहते हैं प्रति अणु आयतन, तो हम अणुओं की संख्या से डिवाइड करेंगे तो 2R³ आ गया। अब पूरे क्रिस्टल का आयतन तो V=2NR³ आता है। अब हम यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे dV/dr, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6NR², और उसके बाद देखो dU/dV, हम dU/dV को थोड़ा सा यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी है उसके अंदर क्या है, d²U/dV², ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो dU/dV जो है, इसमें dU/dr और dR/dV लिखने से इक्वेशन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर d²U/dV² यानी कि इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे ना, तो एक बार इसका अवकलन होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, दूसरी बार इसका अवकलन होगा और ये एज इट इज़ रहेगा। तो जैसे कि पहली बार हमने इसका किया तो d²U/dR², वी के रिस्पेक्ट में करना है तो dR² तो ठीक है, लेकिन आर का करो dR/dV, और ये dR/dV एज इट इज़ यहाँ आ गया। इसी प्रकार से dU/dr को एज इट इज़ रखो और इसका करो, क्योंकि ये ऑलरेडी वी के रिस्पेक्ट में है, तो d²R/dV² आ गया सिंपली। यहाँ पे आर था, हमें वी के रिस्पेक्ट में करना था, इसीलिए साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म dR/dV आई, और यहाँ पे इन दोनों का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो है ना ये, यहाँ पे dR/dV होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब हम कहते हैं कि जब हम साम्यावस्था की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी कंडीशन पे स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, R=A पे अगर हम कहें कि स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और मिनिमम का मतलब ये हो गया कि उसका R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होगा। ओके, तो R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज़ीरो होगा तो हमारी जो सेकेंड टर्म है dU/dr वो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी। तो d²U/dR² एट R=A, इसी तरीके से dR/dV एट R=A, उसका होल स्क्वायर है इसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो dR/dV है इसका मान रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मान है dV/dr का, तो बटे में लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो 6NR², तो 36N², और R की जगह A लिखेंगे तो A की पावर 4, ये आ गया। ओके, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, dR/dV की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब इस वैल्यू को हम जो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, 1/β0 बराबर V0 d²U/dV² R=A। ये नोट इसलिए लगाया, पहले सीधा बीटा लिखा था, नोट मतलब साम्यावस्था में, ओके, स्टेबिलिटी की कंडीशन को बताता है, वरना हमने फॉर्मूला ऊपर सिंपल लिखा है, ये देखो है ना, 1/β = V d²U/dV². अब d²U/dV² का हम लोग मान पुट करेंगे यहाँ पे, तो V0 को भी यहाँ पे रिप्लेस किया है। V0 क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का आयतन, जो कि किसके बराबर है, 2NR³। तो R की जगह क्या रख देंगे, A, तो 2NA³ आ जाएगा। ओके, तो V की जगह आ गया 2NA³, और d²U/dV का मान ये है 36N² A की पावर 4 d²U/dR² एट R=A। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर A की पावर 3 है, 4 है, तो एक A नीचे बच गया, ऊपर N है, नीचे N² है, तो नीचे एक N बच गया, और नीचे क्या बच गया, 18।
तो यहाँ से डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू ए, तो नीचे क्या बचा था 18 एन ए, उसको इस साइड ले जाओ 18 एन ए ओवर बीटा नोट। ओके, इसी तरीके से इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जैसे दोनों साइड में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो इस साइड जब ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 एन ए क्यूब क्या होता है, वी नोट होता है। तो यहाँ पे जैसे 18 तो है ही, तो 2 इंटू 9 है एक तरीके से, तो 2 का यूज़ जो है वो वी नोट बनाने में कर लिया और 9 वी नोट ओवर बीटा नोट आ जाता है। तो यहाँ जो ये रिलेशन हमारे पास आया है ए स्क्वायर डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 9 वी नोट ओवर बीटा नोट, ये बोर्नमेयर रिलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, बोर्नमेयर रिलेशन। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ ही आ जाता है, बोर्नमेयर रिलेशन स्थापित कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए, या ये रिलेशन दे देते हैं कि इसे डिराइव कीजिए। ओके, उसके बाद क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इक्वेशन 5 के अंदर क्रिस्टल की स्थिति ऊर्जा जो है वो लिखेंगे इक्वेशन 5 से। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक से, प्रीवियस जो था सेकंड टॉपिक, सेकंड जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी कि अल्फा एन ई स्क्वायर और माइनस 1 बाई आर प्लस रो बाई ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आर माइनस ए बाई रो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ से क्यों उठाइए, क्योंकि ये क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, अट्रैक्शन वाली और रिपल्सन वाली टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका दो बार डेरिवेटिव करके इस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ रखेंगे, और किस कंडीशन में रखेंगे, एट आर इज इक्वल टू ए, दो बार डेरिवेटिव करके आर इज इक्वल टू ए पुट करेंगे और वहाँ रख देंगे, ताकि वहाँ से हम कंप्रेसिबिलिटी बीटा नोट जो है वो उसके साथ जो भी रिलेशन बन रहा है उसको फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो यू का एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में ये निकाल लिया, ये कोई नया नहीं है यहाँ पर। अब हम इसका आर के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो डी यू बाई डी आर, तो यहाँ पर तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 बाई आर का होता है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो माइनस ऑलरेडी है तो 1 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद इसके अंदर इसका होगा एक्सपोनेंशियल का, तो जो भी आर के साथ कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, आर के साथ माइनस 1 बाई रो आएगा और कुछ नहीं आएगा, माइनस 1 बाई रो और एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, रो से रो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये तो एक बार किया, दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर का होगा माइनस 2 आर की पावर 3 जो यहाँ लिखा है, उसके बाद फिर से एक्सपोनेंशियल का होगा, तो फिर से क्या है, माइनस 1 बाई रो आगे आएगा, पहले वाला रो तो कैंसिल हो ही चुका था, अब दूसरी बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ये आ जाएगा। देखो पहला अवकलन ये इसको कैंसिल कर दिया, फिर से दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस 1 बटे रो, तो माइनस तो ऑलरेडी है ना, तो प्लस 1 बटे रो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, साम्य अवस्था में आर इज इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो आर इज इक्वल टू ए पर जब निकालेंगे यहाँ पे ए पुट करेंगे, है ना, यहाँ पे ए, तो आर माइनस ए यानी कि ए माइनस ए, तो a माइनस ए ज़ीरो, e की पावर ज़ीरो क्या हो गया, 1 हो गया, तो इधर ये माइनस 2 ओवर a की पावर 3 और इधर a प्लस 1 बाई ए स्क्वायर रो आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, बाहर a की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो इसमें तो था लेकिन इसमें नहीं था, तो a ऊपर आएगा इसमें, a बाई रो माइनस 2। ओके, ये जो वैल्यू आई है, जैसे मैंने कहा था इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को वहाँ पे रखा, ऊपर वाले रिलेशन में रखा है, इस वाले में एक ही बात है, वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें जो ए स्क्वायर है ना, अभी हमने ए स्क्वायर से यहाँ गुणा नहीं किया है, तो 18 एन ए वाला ही हम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 एन ए ओवर बीटा नॉट इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है, जैसे एन से एन जा रहा है और तो कुछ नहीं जा रहा, तो ए बटे रो माइनस 2 इज़ इक्वल टू जो भी है, ये सारे कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, तो 18 ए की पावर 4 ओवर के अल्फा बीटा नॉट ई स्क्वायर। ओके, ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। तो क्या होता है, साम्यावस्था में अगर हमारे पास क्रिस्टल की संपीड़ितता बीटा नॉट ज्ञात हो जाती है,
तो बीटा नॉट ज्ञात होने पर हम रो का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो नियतांक है उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इस रिलेशन से हम बीटा नॉट, रो, ये चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। और साम्यावस्था में जो क्रिस्टल की संपीड़ता बीटा नॉट ज्ञात हो ही गई, उसके बाद है जालक की मिनिमम एनर्जी। ये तो जालक की एनर्जी है टोटल। मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम कब होगी? R इज इक्वल टू ए पे, तो इस रिलेशन में R इज इक्वल टू ए पुट कर दो। R इज इक्वल टू ए पुट करने यहाँ ए, और ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसने ए कॉमन लिया है तो इसके अंदर माइनस वन बाई ए था, तो ये वन हो गया और माइनस इसने कॉमन ले ही लिया रो बाई ए। ठीक है, इक्वेशन फाइव से लिखा है ये, इक्वेशन फाइव ही तो है यहाँ पे, समीकरण पाँच से ये इक्वेशन फाइव है, इसी में रखना है आपको R इज इक्वल टू ए। तो R इज इक्वल टू ए पे U जो है वो मिनिमम होगा, यू एल, तो ये मिनिमम लैटिस एनर्जी और जालक ऊर्जा होगी। ओके, उसके बाद है कि क्रिस्टल की जालक ऊर्जा उसके द्वारा, एक्चुअल में क्रिस्टल की जालक ऊर्जा क्या है, उसको आयनों में पृथक करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा के बराबर है। क्योंकि जालक ऊर्जा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? जैसे कोई चार्ज है, उसकी प्रेजेंस में दूसरा चार्ज आता है तो कुछ उसको फोर्स फील होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम लोग इसको दूर दूर करेंगे तो हमें इन आयनों को अगर दूर करना है, जिनके बीच में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है, इन्हें दूर ले जाना है एक दूसरे से बहुत दूर, तो जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है हमें उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और जितना काम करना पड़ेगा वही उसकी क्या है? ऊर्जा होती है। ठीक है, इसे ही हम लैटिस एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आयनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण का बल है वो क्या है? लघु परास का होता है, और लघु परास का होने के कारण इसका क्या है? स्थितिज ऊर्जा, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, यू आर इज इक्वल टू बी ओवर आर की पावर एन। बी व एन यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे उन्होंने कहा कि बी ई की पावर माइनस रो बाई ए या आर बाई ए जो भी था, ये था बोर्न और मेयर ने, लेकिन किसी किसी का मानना है कि ये ऐसा नहीं होकर बी ओवर आर की पावर एन होता है। ओके, तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये ऐसा होता है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी में होता है कि नहीं, नहीं मतलब इसके लिए हम लोग अलग से जो डेरिवेशन है वो कर लेते हैं कि इसमें बी को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ये सब चीज़ें। तो ये तो अट्रैक्शन वाली एनर्जी है माइनस के अल्फा एन ई स्क्वायर बाई आर, और ये रिपल्सन वाली की इसने कहा कि कुछ एक साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या है, बहुत ही लघु परास का होता है, रेंज उसके बहुत ही कम होती है, तो वो इस तरीके का एक्सप्रेशन भी रखता है। तो अब इसके लिए स्टेबिलिटी कंडीशन अगर हम निकालेंगे तो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है, डेल यू बाई डेल आर एट आर इज इक्वल टू ए ज़ीरो, यू का आर के रिस्पेक्ट में पहला अवकलन ज़ीरो के बराबर होगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस है तो माइनस हट जाएगा, आर की पावर एन, एन का क्या हो जाएगा माइनस एन बटे आर की पावर एन प्लस वन, इसमें आर बराबर ए पुट कर देंगे। R बराबर ए पुट करने से जैसे यहाँ से B का मान निकाल लेंगे तो इसमें N से N तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और R की जगह A पुट करेंगे, ये ए स्क्वायर और ये A की पावर N प्लस वन ऐसे है, तो ये एक तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये N जो है वो इस साइड आएगा तो N किसका हो जाएगा, माइनस का है ना, और इधर n प्लस वन क्योंकि एक ए बच गया, ये सब बट्टे में चल रहा है, ऊपर जाएगा तो n माइनस वन हो जाएगा। ये के अल्फा ई स्क्वायर एज इट इज़ है ही सही। ठीक है, इस तरीके से बस हमें क्या करना है, इसको ज़ीरो के बराबर रख के इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लेना और r का मान a रख देना। ठीक है, उसके बाद u का मान जैसे समीकरण 16 में रखने पर, ये हम यहाँ पे b का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर, तो माइनस के अल्फा एन स्क्वायर बाई आर और प्लस एन बाई आर की पावर एन और बी का मान यहाँ पे रख दिया। ओके, फिर यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, माइनस के अल्फा एन ई स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लिया, तो पहली टर्म तो पूरी कॉमन ले ली है, माइनस भी ले लिया है, तो अंदर क्या बच गया, वन, और बाद में इसमें क्या बनेगा, इसमें
के अल्फा एन स्क्वायर तो है ही और आर की पावर एन है और हमने एक आर कॉमन ले लिया तो एन माइनस वन बन गया, ऊपर ए की पावर एन माइनस वन है और बट्टे में यहाँ पे एक बट्टे छोटा एन भी है, डॉट वन बाई एन, ठीक है ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का मान रखने के बाद स्टेबिलिटी कंडीशन डी यू बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो, उससे बी का मान निकाल करके यू में रखने के बाद हम डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर निकालेंगे ताकि इसकी वैल्यू को बीटा के फॉर्मूले के अंदर रखा जा सके। ओके तो इसका जब एक बार अवकलन करोगे है ना, ये इधर इसका एक बार अवकलन करोगे, एक इस आर को आप अंदर ही ले जाओ इसमें, तो एक बटे आर का हो जाएगा माइनस वन बाई आर स्क्वायर, दूसरी बार करोगे तो प्लस टू आर की पावर थ्री, ये टर्म आ गई। ओके इसी तरीके से इस आर को यहाँ ले जाओ तो आर की पावर एन बच जाएगा, एक बटे आर की पावर एन का पहली बार अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा और दूसरी बार करोगे तो माइनस एन माइनस वन और आर की पावर एन प्लस टू, सॉरी यहाँ पे आएगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस एन और माइनस वन, तो ये प्लस का आएगा और ये प्लस का टू आ जाएगा, ये नहीं है, है ना। पहली बार अवकलन करोगे तो माइनस एन बटे आर की पावर एन प्लस वन, दूसरी बार करोगे तो माइनस एन एन प्लस वन, हाँ, और आर की पावर एन प्लस टू, तो ये आ गया एन प्लस वन आर की पावर एन प्लस टू, और ये जो एन था क्योंकि बटे में एन है तो एक कैंसल हो गया। ओके ये आ गया। उसके बाद इसमें हम r इज़ इक्वल टू a रख देते हैं, a रखने से देखो ये तो है a की पावर n माइनस वन और बट्टे में है a की पावर n प्लस टू, ये कैंसिल हो गया, a की पावर माइनस एक बच रही है, इसको नीचे ले आओ तो a की पावर थ्री बन गई, पहली टर्म में ऑलरेडी a की पावर थ्री है तो थ्री और अंदर बन रहा है माइनस टू एन माइनस वन, तो क्या बन गया वन माइनस एन, तो माइनस बाहर ऑलरेडी है तो ये एन माइनस वन हो गया। ओके इसको सॉल्व करके देख लेना, के अल्फा एन स्क्वायर बाई ए की पावर थ्री एन माइनस वन आ गया। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे इसके अंदर, डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एटीन एन ए ओवर बीटा नोट में, बीटा नोट क्या है, साम्यवस्था में क्रिस्टल की संपीड्यता को व्यक्त करता है, यहाँ पे ये मान रख दिया इसका, ये वैल्यू यहाँ रखी है। ओके यहाँ से एन माइनस वन बराबर आ गया एटीन ए की पावर फोर ओवर के अल्फा ई स्क्वायर बीटा नोट। ओके तो यहाँ पे एन क्या है, प्रतिकर्षी घातांक है, बीटा नोट ज्ञात होने के बाद में इस घातांक का मान भी ज्ञात किया जा सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल्स के अंदर इसकी वैल्यू लगभग नो आती है, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम जालक ऊर्जा, मिनिमम जालक ऊर्जा जैसे यू का जो भी एक्सप्रेशन है टोटल यू का, तो ये है हमारे पास टोटल 16 नंबर में, जैसे आकर्षण की और प्रतिकर्षण की, इसमें आर इज इक्वल टू ए पुट कर दो, मिनिमम कब आती है एट आर इज इक्वल टू ए पे आती है, ठीक है। और वो भी कब रखेंगे, जब बी का मान निकाल लेंगे उसके बाद, जैसे कि ये वाला है ना, तो इसमें r इज़ इक्वल टू ए पुट करते ही क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम तो ये कट जाएगा और वन वन माइनस वन बाई एन बचेगा। ओके तो इस तरीके से ये जो दूसरा जो एक्सप्रेशन दिया था कुछ साइंटिस्ट ने कि जो प्रतिकर्षण ऊर्जा होती है यू आर इज़ इक्वल टू प्रतिकर्षण के लिए पोटेंशियल एनर्जी है आर की पावर एन, जहाँ पे एन क्या था, प्रतिकर्षी घातांक था, कि कितना प्रतिकर्षण जो है वो आर की किस पावर में या किस घातांक के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो एन जो है वो इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है स्टेबिलिटी कंडीशन से एंड विद द हेल्प ऑफ, और ये जो कंप्रेसिबिलिटी है या संपीड्यता है उससे जो है नियतांकों का मान जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।